एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आपका स्वागत है स्काईटेक्स ट्रेडिंग में। और आज इस वीडियो में सीक्रेट बिहाइंड द कैंडलस्टिक के गैप्स के बारे में बताऊंगा, जिसमें मैंने तीन पॉइंट कवर किए, जो फर्स्ट में है व्हाट इज गैप अप एंड गैप डाउन, सेकंड में हाउ टू ट्रेड विद कैंडलस्टिक गैप अप एंड गैप डाउन, और थर्ड में हाउ टू ट्रेड गैप अप एंड गैप डाउन विद द हेल्प ऑफ प्राइस एक्शन, जो कि बहुत ही ज्यादा ईजी होता है और इसको मस्ट होना चाहिए इस प्राइस एक्शन को। तो आपको बिना प्राइस एक्शन के आप ट्रेडिंग कैसे करोगे मुझे बताओगे। प्राइस एक्शन जो कि SNR ट्रेड लाइन लगा के ही हम लोग करते हैं, कैंडलस्टिक तो अलग की बात रही। सो गाइस, प्राइस एक्शन जो कि बहुत ही ज्यादा इजी है, बहुत लोगों को मैंने नाम भी ले लिया ना प्राइस एक्शन का। सो बहुत लोगों को ऐसा डिफिकल्ट लग रहा होगा, क्योंकि बहुत लोगों ने अभी तक प्राइस एक्शन को अच्छे से कॉन्सेप्ट समझा ही नहीं उनको, कि प्राइस एक्शन SNR कैसे लगा, SNR लगाने नहीं आता भाई हमको। सो कैसे गया, तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं है भाई, आप मेरे चैनल पर आए हो, अच्छा कि आप मेरे चैनल पर आओ, जाओ मेरे चैनल के वीडियोस देखो, आप भी SNR बहुत ही ज़्यादा प्राइस एक्शन बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से बताया, और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूंगा, जिसमें मैं कैंडलस्टिक के बारे में, हाउ टू प्रेडिक्ट नेक्स्ट कैंडलस्टिक, सब कुछ मैंने वहाँ पे क्लियरली बताया हूँ। और स्पेशली मैं सीक्रेट ही बताता हूँ, क्योंकि बहुत लोग है ना बताते नहीं है एक्चुअली, जो बाइनरी ट्रेडिंग है ना बाइनरी के तरीके से नहीं बताते, ये मिक्सअप कर देते पता नहीं फॉरेक्स और स्टॉक मार्केट का। और मैं हर वीडियो में यही बताता हूँ कि भाई ये बाइनरी ट्रेडिंग है, और बाइनरी ट्रेडिंग को बाइनरी की ट्रेडिंग की तरह ही आपको लेना पड़ता है। तो ठीक है भाई, तो ये मेरा पता नहीं कितने बार हो गए मैं बोलता हूँ हर वीडियो में, ठीक है। सो मेरे न्यू व्यूवर्स भी आते हैं ना, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर देना, लाइक और सपोर्ट भी करना। ओके गाइस, सो ये जो वीडियो होने वाली है एनिमेटेड प्रेजेंटेशन फॉर क्लियर एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए होने वाली है, क्योंकि मैं हर वीडियो थोड़ा प्रेजेंटेशन टाइप बनाता हूँ, क्योंकि वो जो कैंडल स्टिक ऐसे बना होगा ना, तो गाइस बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा, और मुझे बताने के लिए कुछ नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए थोड़ा प्रेजेंटेशन टाइप बनाता हूँ। सो ठीक है, नीचे में डिस्क्लेमर देख लो गाइस, द बाइनरी मार्केट ट्रेडिंग इज नॉट हार्ड एंड डिफिकल्ट, इफ योर ब्रेन डज नॉट अंडरस्टैंड द मार्केट देन यू विल डेफिनेटली फाइंड इट डिफिकल्ट एंड हार्ड। बाइनरी मार्केट सिंपल भाषा में, बाइनरी मार्केट रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ज़्यादा ईजी है गाइज, इसको ईजी बनाना पड़ता है, अपने दिमाग को बताना पड़ता है कि हाँ मैं बाइनरी ट्रेडिंग कर सकता हूं, सब लोग करते हैं, सब लोग प्रॉफिट बनाते हैं, मैं क्यों नहीं बना रहा, क्योंकि मैं मिस्टेक करता हूं। ठीक है, मैं मेरी बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपकी बात ही बोल रहा हूँ कि मैं मिस्टेक करता हूँ, मतलब आप मिस्टेक करते हो बहुत सारे, तो कोई बात नहीं, मैं सिखाने के लिए रेडी हूँ, अभी भी बैठा हूँ, सिखा रहा हूँ आपको और सिखाती ही रहूँगा आपको, बस आपको सीखना है, समझना है, मार्केट को देखना है, बार बार समझ के प्रैक्टिस करनी है, और उसको फिर लाइव मार्केट में इंप्लीमेंट करनी है। ठीक है, सो हम आगे बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा बातें होगी हमारी। तो जो गैप अप एंड गैप डाउन होते हैं ना, उसके दो तरीके होते हैं, जो गैप डाउन के होते हैं, मैं गैप डाउन का बता रहा हूँ आपको, वैसे ही सेम टू सेम गैप अप के भी होते हैं। ओके, तो तरीके बता रहा हूँ, जो बेरिश गैप अप गैप है उसमें, तो देख लो गाइस, ये जो बेरिश में गैप है ना, ये जंप वाली गैप है, जंपिंग गैप है। जंपिंग गैप कैसे, ये ऊपर से ओपनिंग हुई बेरिश कैंडल ने, रेड कैंडल ने ऊपर से ओपनिंग की, नीचे आया कैंडल मस्त, और यहां पे इसने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, यहाँ पे कर दिया क्लोज। अब जहाँ पे क्लोज हुआ है, ऑब्वियसली नेक्स्ट कैंडल ने वहां से ओपनिंग देनी चाहिए थी, बट इसने वहां से ओपनिंग नहीं देते हुए इसने गैप डाउन किया और उसने जंप वाला गैप डाउन किया, इसने ऐसा यहाँ से एकदम जंप कर दिया, और यहाँ पे इसने ओपनिंग दे दी, यहाँ से देख सकते हो आपने, यहाँ से जंप किया यहाँ पे और यहाँ से ओपनिंग दे दी, इतने में बीच में ये गैप है और ये गैप डाउन हुआ है। तो बहुत लोग कन्फ्यूजन होते हैं कि भाई ये तो गैप डाउन हुए हैं, बहुत लोगों ने ना आपकी ट्रेड लिए, डाउन की ट्रेड लिए, बट कुछ अनडिसीजन रहता है उनका, मतलब कन्फर्मेशन नहीं रहती, उनको एनालाइज नहीं रहता बार प्रॉपरली कि श्योर शॉट वाला, कि ये मेरा एनालाइज पक्का था, वो अगर वो लॉस हो गया ना, वो आपकी अलग बात रहती, बट आपकी जो एनालाइज की तरीका होता है ना, वो आपका परफेक्ट होना चाहिए, ये गैप डाउन था तो ये कैंडल बननी चाहिए, मतलब बननी चाहिए, नहीं बनी ना, वो मार्केट की गलती है, वो फ्लैक्चुएशन है, वो न्यूज इंपैक्ट है, वो सब कुछ उसकी तरफ छोड़ दो, बस आपकी एनालाइजिंग प्रॉवर अच्छे से रहनी चाहिए। तो मैं वही आपको सब कुछ बिल्ड करके दूंगा। तो अब बुलिश के देख लो गैप, जो बुलिश का गैप डाउन हुआ है ना, देखो गाइस, ये बुलिश की कैंडल नहीं है ना, यहाँ से ओपनिंग किया था ग्रीन कैंडल ने, मस्त ऊपर गया, ऊपर जाके यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया। अब जहाँ पे क्लोजिंग है, ऑब्वियसली जहाँ पे क्लोजिंग दिया, नेक्स्ट कैंडल ने भी वहाँ पे ओपनिंग देना चाहिए था, बट इसने ना नीचे में गैप डाउन किया और यहाँ पे इसने जंप नहीं किया, देख सकते हो आपने, डिस्टेंस लिया क्या इसने, जंप लिया क्या, नहीं जंप नहीं लिया इसने, जंप नहीं लिया इसने, इसने क्या किया, साइड में ही यहाँ पे ओपनिंग दे दिया। अब ओपनिंग कैसे दे दिया मैं बता रहा हूँ, देखो गाइस यहाँ पे देखो, ये सपोज ये ₹10 पे कैंडल चालू हो गया था, ₹10 पे कैंडल चालू हुआ और इसने ₹20 का कैंडल बना दिया, यहाँ पे ऊपर जाते हुए यहाँ पे ₹20 हो गया, ठीक है, यहाँ पे ₹20 हो गया, इसने गैप डाउन किया तो यहाँ पे इसने ओपनिंग, ये ₹20 पे ओपनिंग नहीं दिया, नेक्स्ट कैंडल नहीं, इसने क्या किया ₹15 पर ओपनिंग दे दिया,
अब ये नेक्स्ट कैंडल है 15 रुपये में ओपनिंग दे दिया। अब बहुत लोगों ने ना यहाँ से पुट के ऑप्शन ले लिए होंगे कि यह गैप डाउन हुआ है भाई यहाँ पे, तो पुट के डायरेक्शन लेनी चाहिए। सो देखो गाइज यहाँ पे है ना, इसका काम अब काम होता है, मेन काम होता है प्राइस एक्शन और साथ में ये देखने का कि गैप डाउन हुआ गैप अप हुआ, इस दोनों तरीके से तो क्या करना चाहिए। सो मैं सबसे पहले आपको बता दूं गाइज, गैप अप एंड गैप डाउन बिटवीन कैंडल इज अ साइन ऑफ कंटिन्यूएशन। ठीक है गाइज, जब भी गैप अप एंड गैप डाउन होता है ना, वो कंटिन्यूएशन का साइन देता है, वो रिवर्सल का साइन नहीं देता है। इसको हम प्राइस एक्शन को मिक्स करके, फिल्ट्रेशन करके, हम शॉर्ट शॉर्ट एनालाइज करके ट्रेड लेते हैं। अब वो कैसे लेते हैं वो आगे में देखिएगा, पूरा मार्केट बना के दिखा हुआ, साथ में क्योटेक्स का स्क्रीनशॉट भी दिखा हुआ, सब कुछ दिखाना है और लाइव आपके सामने। तो ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं ना गाइज, मैं हूं ना बताने के लिए, बस आप लोग सीखो। तो देखो गाइज, सबसे पहले मैंने सपोर्ट लाइन बना दिया है, देख रहे हो स्क्रीन पे सपोर्ट लाइन ग्रीन कलर की, और ऊपर में रेजिस्टेंस लाइन लगा दिया। अब SNR जो लगाया मैंने सपोर्ट लाइन रेजिस्टेंस, ये मत बोलना कि भाई कौन से आज से सपोर्ट लाइन रेजिस्टेंस लगाया। देखो SNR लगाना मैंने प्रीवियसली वीडियो में बताया एकदम शॉर्ट शॉर्ट वाले, कि आप कैसे इजी तरीके से SNR कैसे लगाए, वो सब कुछ उसमें बताया मैंने गाइज, और सब कुछ सीक्रेट भी रिवील किए मैंने SNR तरीके के। और ये जो SNR मैंने लगाया, तो सपोज ये समझ लो गाइज मैंने प्रीवियस में एक्सट्रीम लेवल पे कहीं ना कहीं लगाया। अब मैं लगा के नहीं बताऊंगा कहाँ से मैंने SNR लिए, ये हमारा गैप अप वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे वही देखिए, चलो हम आगे बढ़ते हैं। देखो ये गाइस यहाँ पे बुलिश कैंडल बना, ये सपोर्ट लेवल से आया है बुलिश कैंडल, यहाँ पे ओपनिंग दे दिया और इसने यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया। सपोज नेक्स्ट कैंडल ने अगर इसने गैप डाउन मार दिया, यहाँ पे जंप वाला नहीं, जंप वाला मारो या कोई भी मारो, कोई भी हुआ, गैप अप हुआ या गैप डाउन हुआ, चलो गैप डाउन मानता हूँ, गैप डाउन का बता देता हूँ आपको। यहाँ पे गैप डाउन हो गया, यहाँ पे इसने गैप डाउन कर दिया, तो ये कैंडल कहाँ पर जाएगी, ये कैंडल बुलिश बनेगी। अब बहुत लोग बोले होंगे कि ये भाई गैप डाउन हुआ है, मैंने तो डाउन की ट्रेड का सोच रहा था, बट ये तो ग्रीन बन गई है। तो मार्केट में ऐसा ही होता है, जब आप गैप डाउन लेते हो वहाँ पे आप गैप डाउन की ट्रेड लेते हो, और बट वो है ना बुलिश कैंडल बन जाती है, ग्रीन कैंडल बन जाती है। देखो गाइस रेजिस्टेंस ऊपर है, और कभी भी रेजिस्टेंस क्यों रहता है मुझे बताओ, रेजिस्टेंस क्यों रहता है और सपोर्ट क्यों रहता है? जब सपोर्ट लाइन से बायर्स आता है, सो आता है, तो उसको एक रेजिस्टेंस, तो सेलर आने के लिए कुछ तो रेजिस्टेंस तो चाहिए ना सेलर आने के लिए। ये बायर आया कहाँ तो फील करेंगे, कहाँ से, तो ऐसे हवा में तो नहीं आएगा। हाँ सेलर हवा में से आएगा, ये सेलर अपनी जगह से सेलर लेके आएगा ना। अब ये यहाँ पे गैप था ये सर रेजिस्टेंस के बीच में और ये कैंडल के बीच में हमारा इतना गैप था। अब ये गैप को फिल करने के लिए हमारा बुलिश कैंडल बनेगा, ये गैप डाउन भी हो, और जो गैप अप एंड गैप डाउन होते हैं वो साइन ऑफ कंटिन्यूशन होता है। हमारा ये सेकंड कन्फर्मेशन हो गया, और थर्ड कन्फर्मेशन हमारा SNR था जो रेजिस्टेंस लाइन था, और इसके बीच में गैप था, और गैप कौन फिल करेगा, बुलिश करेगा और वहां से देखेगा ना कि सेलर लेके आ रहा है, कि इसको ब्रेकआउट कर रहा है, ब्रेकडाउन कर रहा है, क्या कर रहा है वो देखेंगे ना। अभी इसने तो बायर्स को लेके आया, इसने बायर्स लेके गया, यहाँ पे गैप डाउन हुआ, कंटिन्यूशन साइन था, तो यहाँ पे बुलिश की ट्रेड लिया। क्यों लिया? क्योंकि ऐसे भाई रेजिस्टेंस ऊपर में है, रेजिस्टेंस से अभी सेलर आएंगे। चलो रेजिस्टेंस से इसने क्या किया, रिजेक्शन लिया, और इसने ब्रेकआउट भी नहीं किया, लेवल को इसने तोड़ा भी नहीं, वहां से ही एक वीक बनाया, रिजेक्शन लिया और ऊपर नीचे में ही यहाँ पे क्लोज हो गया। चलो नेक्स्ट कैंडल देखो गाइस, इसने गैप अप मार लिया बेरिश कैंडल ने। यहाँ पे पता था आपको कि बेरिश कैंडल की ट्रेड लूंगा, क्योंकि ब्रेकआउट नहीं किया, ये बुलिश कैंडल ने क्या किया, ब्रेकआउट नहीं किया, यहां से ही रिजेक्शन लिया और नीचे में क्लोज दिया। ये आपका कंफर्मेशन था कि मैं बेरिश के लूंगा, बट यहां पे गैप अप ओपन हो गया। बट बहुत लोगों ने क्या किया, गैप अप कैसे ओपन, यहां पे क्लोज हुआ था, यहाँ पे क्लोज हुआ और यहाँ पे बेरिश ने ओपनिंग दे दिया। अब ये सबसे पहले बुलिश बना था, अब बहुत लोगों ने यहाँ पे ना गैप अप हुआ तो इस कारण से ले लिया होगी कि बुलिश की, अब दो कैंडल बुलिश के बने तो ये तीसरा कैंडल गैप अप भी दिया, तो यहाँ पे बहुत लोगों ने ट्रेड लिया होगी। बट ऐसा नहीं है गाइस, इसने गैप अप तो दिया है, बट ये देखो इसने लेवल, ये स्ट्रांग लेवल है गाइस, ये एक्सट्रीम लेवल है जो दिख रहा है ना, ये एक्सट्रीम लेवल है, ये वाला एक्सट्रीम लेवल है। वहां से ये बुलिश कैंडल ने रिजेक्शन लिया और नीचे क्लोज दिया, और नेक्स्ट बेरिश कैंडल ने गैप अप दिया भले ही, बट उसने है भी ऊपर गया और वहां से उसको भी ब्रेक नहीं किया, वो लेवल को भी ब्रेक नहीं किया, वहां से रिजेक्शन लिया और नीचे में आया मस्त, और यहाँ पे इसने क्लोजिंग कर दिया। अब नेक्स्ट हमारा देखो गाइस, नेक्स्ट हमारा है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, चलो एक एग्जांपल ले लो गाइज। ये देखो ये जो लेवल मैं अभी बोला था ना, स्ट्रांग है वीक है, तो गाइज ये देख रहे हो, ये जो रेजिस्टेंस लेवल देख रहे हो ये गाइज, ये रेजिस्टेंस लेवल, इसमें है ना ये तीन कैंडल है, इसमें से दो कैंडल स्ट्रांग है और तीसरी कैंडल वीक कर दी है लेवल को। ये लेवल तो स्ट्रांग है, बट ये दो कैंडल ने यहाँ पे लेवल को है ना एकदम स्ट्रांग है, लेवल को स्ट्रांग मान लिया रेजिस्टेंस, बट ये लेवल को इसने ब्रेकआउट कर दिया, ये लेवल को ब्रेकआउट कर दिया, मतलब ये लेवल अभी वीक है ये कैंडल के लिए,
ये कैंडल के लिए ये लेवल वीक है और ये दो कैंडल के लिए अच्छे से वहां से सेलर आए हैं, अच्छे से यहाँ पे सेलर बैठे हैं मस्त, और यहाँ पे इसने ब्रेकआउट नहीं किया है और ब्रेकआउट इसने ही किया है, ये कैंडल ने ही ब्रेकआउट किया, मतलब ये लेवल इसके लिए कुछ भी नहीं है, लेवल इसके लिए वीक है। सो गाइस इस तरीके से आपको है ना प्रेडिक्शन को देखना पड़ता है और गैप अप और गैप डाउन का कैसा ट्रेड ले वो बता रहा हूँ मैं। सो देखो गाइस ये नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, बेरिश कैंडल ने इसने गैप डाउन मार लिया, देखो ये गैप डाउन कैसे मार लिया, जंप कर दिया यहाँ पे, अब इसने जंप कर लिया इतना और इतना डिस्टेंस ले लिया, जंप कर दिया, बट ये बेरिश कैंडल ने जंप किया तो यहाँ पे इसने ना सपोर्ट लाइन को ब्रेक कर दिया। अब मैंने क्या बोला कि जब भी सपोर्ट लाइन को ब्रेक करता है वीक से तो वो कैंडल हमारे वो लेवल हमारा वीक हो जाता है, वो लेवल हमारा स्ट्रांग नहीं रहता, तो हमारे चांसेस 50-50 हो जाते हैं कि वो एदर वो बेरिश भी बन सकता है और बुलिश भी बन सकता है। चलो हम आगे देखते हैं, तो यहाँ पे इसने बेरिश कैंडल ने गैप अप मार लिया है, ठीक है गैप अप मार लिया, देखो यहाँ पे क्लोजिंग कर दिया था बट इसने क्या कर दिया ऊपर में ओपनिंग कर दिया। अब नेक्स्ट कैंडल ने यहाँ पे अब गैप अप हो गया ना, गैप अप हो गया हमारा कंफर्मेशन। सो गाइस साइन ऑफ कंफर्मेशन होता है गैप अप गैप डाउन का जो भी है, और नेक्स्ट कौन सा है हमारे लेवल को भी इसने ब्रेक कर दिया, ये वाला जो को वीक ने इसने लेवल को ब्रेक कर दिया, तो मतलब लेवल वीक है इसका, मतलब बेरिश आ सकता है ठीक है, और इसने गैप किया तो बहुत लोगों ने अप के लिए ट्रेड ले लिए होंगे, बट ये है ना ऊपर गया थोड़ा और वीक बना है इसने और वापस से ब्रेक डाउन ही कर दिया, एकदम परफेक्टली इसने ऑफिशियली ब्रेक डाउन कर दिया। सो गाइस ये हो गया हमारा, हम नेक्स्ट देखते हैं। अब मैं बोलूंगा और आप प्रिडिक्शन लोगे, ठीक है मैं बताऊंगा और आप प्रिडिक्शन लोगे आपके हिसाब से, आपको समझ गया पहला। तो गाइस यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस लेवल लगा दिया, चलो एक सपोर्ट लेवल भी लगा दिया। अब मैं देखो रेजिस्टेंस से अब कैंडल्स आएंगे, ठीक है बेरिश कैंडल का बताता हूँ। देखो एक आया बेरिश रेड बेरिश कैंडल, ठीक है रेड कैंडल आया अच्छे से एकदम लेवल से एकदम टच किया, इसको ब्रेक भी नहीं किया। अब नेक्स्ट कैंडल अगर सपोज ये यहाँ पे गैप अप कर देता है, देखो यहाँ पे गैप अप यहाँ पे क्लोज दिया था तो नेक्स्ट कैंडल ने यहाँ पे ओपनिंग दिया तो गैप अप हो गया, ये तो गैप अप हो गया और हमारा लेवल भी नीचे, लेवल नीचे सपोर्ट लेवल भी नीचे है और सपोर्ट लेवल से ही बेरिश बुलिश आएगा ना, तो इसलिए सपोर्ट लेवल को टच करेगा तब जाके बुलिश आएगा ना, इसलिए ये डाउन की ट्रेड बनी है। बिकॉज आपको है ना क्या करना है यहाँ पे, जब भी गैप अप हो तो आपको देखना है कि लेवल हमारा कहाँ है, पास में है दूर में है कहाँ पर है, ठीक है जब भी गैप अप दिखे प्राइस एक्शन और कैंडल के बीच में और कैंडल में भी गैप अप दिखे गैप डाउन दिखे जंप दिखे या साइड में दिखे तो आपको है ना इस तरीके से एनालाइज करके ट्रेड लेनी है। चलो ओके तो हमारी नेक्स्ट बन गई बुलिश कैंडल। अब बुलिश कैंडल बन गई, देखो गाइस यहाँ पे इसने टच कर दिया है अच्छे से, आया बेरिश कैंडल नीचे आया मस्त और इसने क्या कर दिया लेवल को टच किया, ब्रेक भी नहीं किया लेवल को, टच किया यहाँ से रिजेक्शन लिया, मतलब यहाँ पे आपको उन्हें बायर्स बैठे हैं मस्त, स्ट्रांग वाले बायर्स बैठे हैं, तो बायर्स ने क्या कह दिया नेक्स्ट कैंडल बायर्स वाली आई है मस्त बुलिश कैंडल गई है और बुलिश कैंडल ने यहाँ पे जंप वाला गैप अप दिया है, यहाँ पे जंप मारा है इसने और यहाँ पे ओपनिंग दे दी है, ठीक है चलो सपोज यहाँ पे 10 पे इसने ओपनिंग कर दी और 15 पे यहाँ पे इसने क्लोजिंग कर दी, 15 पे इसने क्लोजिंग कर दी तो नेक्स्ट इसने क्या कर दिया 15 पे ओपनिंग ना देते हुए नेक्स्ट कैंडल ने इसने 20 पे ओपनिंग दे दी, ठीक है 20 में ओपनिंग दे दी और फाइनली इसने क्या कर दिया ये लेवल जो स्ट्रांग था ना, ये कैंडल के लिए जो स्ट्रांग था ना, ये कैंडल के लिए जो स्ट्रांग था ना ये लेवल, इसको है ना ब्रेकआउट कर लिया ऑफिशियली। अब ब्रेकआउट कर लिया तो देखो गाइस लेवल हमारा कितने पास में कितने दूर में, अब लेवल हमारा जो है ये लेवल देखना ऊपर का, जब भी ब्रेकआउट करते हैं ना लेवल सो हमको है ना नेक्स्ट लेवल हमारे रेडी रहना चाहिए, ऊपर हो या नीचे में हो लेवल हमारे रेडी रहना चाहिए कि नेक्स्ट लेवल का टारगेट क्या होगा, हमारे लेवल का टारगेट ऊपर में, ठीक है गैप अप भी मार लिया कैंडल ने और लेवल भी ऊपर है सो ये इसने ब्रेकआउट भी कर लिया है। अब नेक्स्ट कैंडल के चांसेस कौन से, अप के ही चांसेस है, बुलिश के चांसेस, क्योंकि लेवल हमारा ऊपर है ना और इसने लेवल ने इसको ब्रेकआउट कर दिया तो हमारा नेक्स्ट इसने गैप डाउन ओपनिंग किया है, नेक्स्ट कैंडल ने यहाँ पे ओपनिंग यहाँ पे क्लोज हुआ था हमारा प्रीवियसली कैंडल और नेक्स्ट कैंडल ने यहाँ पे डाउन गैप डाउन किया, यहाँ पे ओपनिंग हुआ गैप डाउन किया और बहुत लोगों ने ना यहाँ पे बेरिश की ट्रेड ले ली होगी, रेड कैंडल की ट्रेड ले ली होगी बट यहाँ पे बुलिश बना क्योंकि हमारे लेवल ऊपर है ना भाई, यहाँ पे इसके बीच में और इसके बीच में अभी भी गैप है ना और गैप कौन फील करेगा, बुलिश कैंडल फील करेगी। अब ये यहाँ से ये लेवल से अब सेलर आएगी, ये लेवल से सेलर आएगी क्योंकि ये इसने बेरी जो ग्रीन कैंडल है ना इसने अभी तक इसको ब्रेकआउट नहीं किया, ठीक है इसने यहाँ से अच्छे से रिजेक्शन लिया है, वीक लगाया है रिजेक्शन लिया, नेक्स्ट कैंडल हमारी बेरिश के बने और बेरिश ने क्या कह रहे जहां पे बुलिश ने क्लोजिंग दे दी थी ना वहां पर ही इस बाजू में ही ओपनिंग दी, मतलब इसमें गैप अप और गैप डाउन बिल्कुल भी नहीं हुआ, ठीक है इसको बोलते गैप अप गैप डाउन, आपको समझ में आ गया ठीक है।
तो हमारे नेक्स्ट ये बेरिश कैंडल बन गए क्योंकि यहाँ से मस्त सेलर आए। अब नेक्स्ट कैंडल ने इसने जंप वाला गैप डाउन कर दिया, इसने जंप वाला गैप डाउन कर दिया। जंप वाला गैप डाउन क्यों कर दिया, क्योंकि ये जो बुलिश कैंडल है ना, ये बुलिश कैंडल दिख रही है ना आपको, इसने कर दिया था ब्रेकआउट कर दिया था ये लेवल को, ठीक है, ये रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट कर दिया था। नेक्स्ट हमारे बुलिश कैंडल बनी मस्त। बुलिश कैंडल बनने के बाद यहाँ से आपको पता था यहाँ पे लेवल है, लेवल से रिजेक्शन लिया है, मस्त रेड कैंडल आया और रेड कैंडल ने वापस से लेवल को है ना ब्रेक डाउन कर दिया। मतलब ये जो था, ये बुलिश कैंडल जो था, ये था फेक वाला ब्रेकआउट था, ठीक है, इसलिए वापस से ये रेजिस्टेंस है, सेलर लेके आया मस्त, यहाँ से सेलर लेके आया। यहाँ पे सेलर बैठे थे, वेट कर रहे थे कि हमको कब टच करेगा। अब टच कर लिया तो वहां से पूरे सेलर आ गए। सेलर ने इसने क्या कर दिया, वापस से इसको ब्रेक डाउन कर दिया ये लेवल को, मतलब ये लेवल को भी लेवल के अंदर आ गया है सेलर पूरे। और सेलर ने नेक्स्ट नेक्स्ट कैंडल ने यहाँ पे गैप डाउन भी कर लिया, तो यहाँ पे आपको डाउन की ट्रेल लेना था क्योंकि नीचे से एकदम ऊपर से एकदम सेलर आ रहे थे। और गैप अप और गैप डाउन आपको पता है जैसे कि कंटिन्यूशन साइन होता है। और इसने वापस से ना क्या कर दिया, रेड कैंडल बनाया, ऊपर गया और ये लेवल को ही इसने रेजिस्टेंस मान लिया। यहाँ से वापस से और एक सेलर लेके आया, जहाँ पे पहले सेलर बैठे थे, यहाँ पे सेलर बैठे थे ना, यहाँ से सेलर आया ना, वैसे ही यहाँ से वापस से रिजेक्शन लिया और मस्त सेलर कैंडल बना। मतलब ये वापस से ये जो लेवल हो गया ना, ये लेवल हमारा अभी रेजिस्टेंस हो गया, अभी फाइनली रेजिस्टेंस हो गया था, मतलब ये फेक ब्रेकआउट था ना, ठीक है। सो यहाँ पे रेजिस्टेंस बन गया। अब नेक्स्ट हमारा गैप अप हो या गैप डाउन हो, चलो गैप अप हो, नेक्स्ट वाला कैंडल हमारा गैप अप हो या गैप डाउन हो, तो हमारा कौन सा कैंडल बनना चाहिए मुझे बताओ। देखो यहाँ पे लेवल और ये कैंडल के बीच में अभी कौन है, स्पेस बाकी है, गैप है इसके बीच में, इसके बीच में गैप है क्योंकि यहाँ से एकदम मस्त है, ये लेवल से टच हो गया, यहाँ पे तीन कैंडल बने थे ग्रीन वाले। और वापस इसको अगर सेलर लाना है तो इसको वापस ये टच करना पड़ेगा ना, ये लेवल को हमको टच करना पड़ेगा ना। चलो हमारे यहाँ, ठीक है, आपको समझ गया ना उतना। अब मैं अभी लाइव भी बता देता हूँ आपको, क्योटेक्स का लाइव दिखा देता हूँ जहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था। अब ये देखो गाइज, ये जो कैंडल दिख रही है आपको, ये क्यूटेक्स के मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया है। अब ट्रेड कैसे लिया वो बता रहा हूँ। ये देखो, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल लगा दिया था, एक रेजिस्टेंस लेवल लगा दिया था। ओके, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये रेजिस्टेंस लेवल को इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस येलो कलर की रेजिस्टेंस लाइन लगाया हूँ मैंने, क्योंकि यहाँ से सेलर आए हैं, यहाँ से तीन कैंडल सेलर के आए हैं, कहा है पेन, ओके, तीन कैंडल यहाँ से सेलर के आए हैं, ठीक है, तो इसलिए ये रेजिस्टेंस हो गया क्योंकि यहाँ से सेलर आया है। अब सपोर्ट पिछले में कहीं पे लेवल था इसलिए ये लगाया है लेवल, बट अभी यहाँ से बायर्स आए थे, ये लेवल से, ये सपोर्ट लेवल से बायर्स आए, एक कैंडल दूसरी कैंडल स्पिनिंग टॉप आया। और ये स्पिनिंग टॉप ने क्या किया, ये रेजिस्टेंस लाइन को टच ही नहीं किया, रेजिस्टेंस लाइन को, यहाँ पे तो सेलर बैठे है, यहाँ पे अभी सेलर बैठे, बट यहाँ पे इसने टच ही नहीं किया। और ये सेलर बोल रहे कि भाई मुझे पहले टच तो कर ले, तब जाके तो मैं नीचे आऊंगा ना, और तो इसने टच नहीं किया। और इसके बीच में अभी भी गैप है इसकी, ये स्पिनिंग टॉप के कैंडल के और ये रेजिस्टेंस के ऊपर की, इसने टच किया क्या, देखो यहाँ पे ही वीक बना है, यहाँ पे रिजेक्शन लिया, इतने में ही रिजेक्शन लिया, इसको टच करना चाहिए था ना। और नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, गैप डाउन कर दिया, ये देखो, देख रहे हो आप, ये देखो गैप डाउन के साइड में, इसने जंप वाला नहीं किया, इसने गैप डाउन किया। और काफी लोगों ने यहाँ पे ले लिए होंगे डाउन की ट्रेड, बट मैंने बताया था ना आपको कि लेवल के और कैंडल के बीच में भी देखना पड़ता है हमको, फिल्ट्रेशन कंफर्मेशन लेना पड़ता है कि हमारा कंफर्मेशन सही में, हम जो एनालाइज कर रहे हैं सही में ये यहाँ पे बुलिश कैंडल बनेगी क्या, क्योंकि हाँ यहाँ पे बुलिश कैंडल बनेगी, क्यों, क्योंकि आपको पता लग गया ना कि भाई रेजिस्टेंस तो ऊपर में, ऐसे कैसे सेलर आ गए, कहाँ से सेलर नहीं आ सकते ना, जहाँ से सेलर बैठे हैं वहाँ से सेलर आ गए ना, तो मैंने यहाँ पे अप की ट्रेड ले लिया क्योंकि यहाँ पे गैप डाउन हुआ था, लेवल को अभी तक टच नहीं किया था, मैंने आपकी ट्रेड लिया, अप गया मस्त, इसको ब्रेकआउट भी किया इसने, और वहां से सेलर भी आएगा, नेक्स्ट कैंडल सेलर भी बनी थी यहाँ पे, नेक्स्ट कैंडल सेलर भी बनी थी क्योंकि इसने सेलर को टच कर लिया था। अब यहाँ पे सेलर एक्टिव हो गए थे ये वीक में, ये क्या शेडो में सेलर एक्टिव है, नेक्स्ट हमारे सेलर बन गए थे। अब नेक्स्ट देखते हैं गाइज, आपको ये कैंडल में देख लो गाइज, यहाँ पे भी मैंने ना अप की ट्रेड लिया था। अब ये जो रेजिस्टेंस लेवल, ये जो येल्लो लाइन दिख रही है ना आपको, ये रेजिस्टेंस लेवल है क्योंकि यहाँ से एक सेलर दूसरी सेलर बन गई थी, ये दूसरी रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ से स्ट्रांग है ना सेलर आई थी। और यहाँ पे एक सपोर्ट है क्योंकि यहाँ से एक बुलिश कैंडल, दूसरी बुलिश कैंडल, ये स्ट्रांग बुलिश कैंडल आई थी। और तीसरी और ये दूसरी कैंडल जो दिख रही है ना, ये जो दिख रही है ना बुलिश कैंडल, इसने भी ना रेजिस्टेंस लेवल को अभी तक भी टच नहीं किया था। देखो यहाँ पर ही यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और अभी तक सेलर यहाँ पे जो बेट है इसको टच ही नहीं किया। यहाँ पे टच नहीं करेगा तो हमारा सेलर कैसे आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसने क्या कर दिया, यहाँ पे देख लो गाइस, इसने कर दिया जंप वाला गैप अप, जंप वाला गैप अप कर दिया। तो यहाँ पे मैंने बुलिश की ट्रेड ले लिया मस्त शॉर्ट शॉर्ट, क्योंकि ये लेवल को टच करेगा फिर यहाँ से सेलर आएगा, ठीक है, क्योंकि इसके और इसके बीच में स्पेस था।
तो ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझा तो गाइस मैं क्लियरली बताया हूँ, इसमें आप फिर से वीडियो देखो, पूरी वीडियो देखो गाइस, गैप अप और गैप डाउन एकदम क्लियरली बताया हूँ, मैंने समझाया हूँ कि कैसे क्या करना है, ट्रेड कैसे करना है, ठीक है, आपको समझ गया होगा। और इस तरीके से आपको एनालाइज करके ट्रेड करना है, बाइनरी ऑप्शन कुछ भी एकदम कुछ भी नहीं है ऐसा, पूरा ईजी होता है गाइज, आपको ईजी तरीके से लेना है, मैं ईजी तरीके से ही सिखाता हूँ। तो ठीक है गाइज, ये वीडियो को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना और ये चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, स्काईटेक्स ट्रेडिंग बाइनरी ऑप्शन को, और ऐसी नेक्स्ट वीडियो बहुत सारे वीडियोस मिलेगी, टेलीग्राम पे भी सब्सक्राइब कर देना, वहाँ पे भी सिग्नल देता हूँ मैं, और इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर देना, और कुछ भी डीएम कर सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम है अगर आपको सजेशन करना है कुछ भी नेक्स्ट वीडियो के बारे में, सो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हो गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।